सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज हम पाठ 9 हम खूबी बतलाते हैं यानी कि विशेषण का अध्ययन करेंगे। हम खूबी बतलाते हैं मतलब हम विशेषता बताते हैं। और हम विशेषता कैसे बताते हैं, तो चलिए पहले इन चित्रों को देखिए और समझते हैं कि ये कैसे खूबी बताते हैं, कैसे विशेषताएं बताते हैं। देखिए बच्चों, फूल, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, लड़के, हाथी, रस्सी, दूध और कील। अब देखो बच्चों, हमने ये चित्र तो देख लिए, अब हम इनकी विशेषता कैसे बता सकते हैं। जैसे फूल कैसा है, तो फूल कैसा है, फूल सुंदर है, फूल सुंदर है। लड़के कितने हैं या बच्चे कितने हैं, तो बच्चे 4 हैं। हाथी कैसा है, हाथी बड़ा है। रस्सी, ठीक है ना, रस्सी कितनी है, रस्सी 2 मीटर है। दूध, ठीक है ना, दूध कैसा है, मतलब कैसा, मतलब गर्म है, ठंडा है, कैसा है। लेकिन दूध देखो हमें स्टोव पे भी नज़र आ रहा है और दूध में से क्या भाप भी नज़र आ रही है, इट मीन्स दूध गर्म है। कील, कील कैसी है, कील नुकीली है। समझ आया बच्चों, यानी कि विशेषण शब्द पहचानने के लिए कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है और जो उत्तर आता है फिर वो क्या हो जाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विशेषण की परिभाषा। आगे देखिए कि विशेषण को हम एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं। देखिए, नटखट बंदर पेड़ से लटका है। तो देखिए, नटखट, नटखट क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण मतलब कि किसकी विशेषता बता रहा है, बंदर की। किसकी विशेषता बता रहा है, बंदर की। तो बंदर क्या हुआ, बंदर हुआ विशेष्य। ठीक है, तो नटखट विशेषण और विशेष्य बंदर। आगे देखिए, रमा लंबी है, तो रमा क्या है, विशेष्य, क्योंकि लंबी विशेषण है, क्योंकि रमा की विशेषता बताई गई है कि रमा लंबी है। ठीक है, वे संज्ञा या स्वरनाम विशेष्य कहलाते हैं। कौन सी विशेष्य कहलाते हैं, जिस संज्ञा या स्वरनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। यानी कि यहाँ पर रमा कौन है, रमा क्या है, रमा को आप संज्ञा कह सकते हैं, है ना। और किसकी विशेषता बता रखी है इसमें, रमा की। कौन है रमा, रमा लंबी है। रमा क्या है, लंबी है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्वादिष्ट भोजन, तो स्वादिष्ट क्या हो गया, विशेषण, और भोजन क्या आ जाएगा, विशेष्य। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनिक विशेषण। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सी विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होती है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि को बताते हैं वो क्या होती हैं, गुणवाचक शब्द। देखो बच्चे, यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको चित्र में, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा यानी कि उस बच्चे, वो बच्चा छोटा है, ये इसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, मोर सुंदर, सुंदर गुण है मोर का। ठीक है, रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगी यानी कि ये भी तितली का गुण है।
तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, आकार, रंग, रूप जो भी हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको और उदाहरण दे रही हूँ, सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, मोटा, पतला, कायर, ठीक है, आलसी, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। देखो नाम से ही पता लग रहा है संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सवर्नाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं वो क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक लड़का खेल रहा है, यानी कि हमें पता है एक लड़का खेल रहा है, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन वाक्यों से एक और दो संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चला, इसलिए ये संख्यावाचक हैं। जैसे मैं कुछ और उदाहरण भी आपको बता रही हूँ, जैसे कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं, ठीक है, हमारे बाग में कई पेड़ हैं। ठीक है, आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तोल या माप बताते हैं, जैसे तोलना या उसका माप बताते हैं, जैसे भैया 2 किलो सेब देना, ठीक है, तो ये तोलना हो गया। यह दुपट्टा 3 मीटर का है, तो इससे क्या पता लगा? हमें माप का पता लगा, तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी सी चीनी देना, ये भी क्या हो गया? परिमाणवाचक। जरा सा दूध देना, ठीक है, ये भी परिमाणवाचक होता है। ठीक है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर दूध, ठीक है, थोड़ी चीनी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, वो क्या है? जो शब्द स्वरनाम जैसे दिखते हैं पर वो क्या करते हैं? संज्ञा से पहले आकर उनकी पहचान कराते हैं, संज्ञा से पहले आकर उनकी पहचान कराते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है, इस स्कूल में ही रमेश पढ़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह और इस शब्द देखने में स्वरनाम लगते हैं, पर संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे यह और इस, ठीक है ना, किताब क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया? यह, ठीक है, तो क्या बन गया? यह किताब मेरी है और इस स्कूल में रमेश पढ़ता है। जैसे कई उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, ये भी सभी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे मेरी घड़ी सही समय बताती है, ये भी सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में यह, ये, वह, वे का प्रयोग होता है, किंतु सार्वनामिक विशेषण में ये शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। कैसे पहले आते हैं? जैसे यह मेरी घड़ी है और वह तुम्हारी, यानी कि ये बात निश्चित है कि यह मेरी घड़ी है और वह तुम्हारी घड़ी है। तो अगला उदाहरण देखिए, यह बस्ता मेरा है और वह बस्ता तुम्हारा है, यानी कि यह और वह शब्दों का प्रयोग किया गया है सार्वनामिक विशेषण में। तो बच्चों आपको समझ में आया निश्चयवाचक, सवर्नाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? इन दोनों में यही अंतर है जो मैंने अभी आपको उदाहरण देकर समझाया।
आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।